आज हम लोग टीआईजीपी में हम देख सकते हैं दुर्गा पाली खड़िया पारा हर तरफ से लोग आए महिला है पानी 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 अभी गर्मी में पानी नहीं मिलता है ठंडी में तो सामने में गर्मी बहुत दिन आ रहा है 3-4 महीने बाद गर्मी आ जाएगा तो सर जो है पानी के लिए इतने बड़े हमारे महावेल लोग बनाए इसके बारे में क्या बात हुई अंदर ये बारिश तो छोड़ो ठंडा का महीना छोड़ो तो बारिश का टाइम में भी पानी नहीं मिला था आपको मालूम होगा जिस समय हम लोगों का यहाँ पे चेयरमैन थे मैं जब चेयरमैन था उस समय दुर्गा पाली में पहली बार पानी का पैसा दिया गया था उस समय करीबन 20 करोड़ रुपया समरपुर में पानी वाटर सप्लाई के लिए दिया गया था तो पानी की पाइप भी उस समय दुर्गा पाली रेमेंट में सब जगह गिरी थी दुर्भाग्यवशात अभी इतना दिन होने के बावजूद भी अभी पानी का यहाँ पे बहुत असुविधा है आप देख रहे हैं यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे माता या बहने आ रखी है पानी कहीं पहुंच नहीं रहा है 2 साल हो गया इस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बोल बोल के हम लोग थक गया है आज बाध्य होकर पूरा पड़ा के जितने वहाँ पे माए हैं सब पहुंचे यहाँ पे और अंदर में पूरा डिस्कशन हुआ है इसमें प्रतिश्रुति दिया है कि जो लेट हो रहा है वो रेलवे के कारण लेट हो रहा है रेलवे डिपार्टमेंट के कारण और रेलवे डिपार्टमेंट का समस्या जितना जल्दी शट आउट होगा उतना जल्दी हम पानी दे देंगे बोलने की बात है कि ये जो समय है अब पानी नहीं मिलेगा तो चलेंगे कैसे और पानी तो पानी टैंकर भी नहीं भेज रहा था इससे 2-3 ऑफिसर यहाँ पे ऐसे हैं जो मोनोपोली कर रहे हैं और पूरा बदमाशी कर रहे हैं यहाँ पे लोगों उसको पूरा अच्छी तरह से समझा दिया गया है और 5 आदमियों की इनकी एक टीम बनाई गई है और 5 आदमी बैठ के उसका पाड़ा में ऑफिसर को बुला के लोगों डिस्कशन करके जो जो उसकी समस्या है उसको दूर करेंगे पाड़ा वाले का जो डिमांड था वहाँ पे दोनों टाइम पानी आना चाहिए तो भी ऐसी बात ये दोनों टाइम पानी जाएगा एक बात तो है कि वहाँ पे टैंकर जाना चाहिए टैंकर जाने का बात हुआ और अभी बात तो है कि वहाँ पे रेलवे को बोल के पाइप नीचे से जाना चाहिए तो रेलवे का भी व्यवस्था किया जाना है अच्छा प्रेशर किया बाकी देखते हैं कितना तक चलता है ना तो फिर हम लोगों को है ही काम करने के लिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज हमने देखा गिरीश भाई ने खुद अपने आपकी आवाज़ संबलपुर जसवीर सिंह की रिपोर्ट।